वेलकम टू द वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द हाइड्रॉन स्मार्ट V2 यूनिट। इस वीडियो में हम बैच का जो प्रिंटआउट है वो कैसे लेते हैं और USB डाउनलोड में रिपोर्ट कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंट ऑप्शन में जाते हैं। प्रिंट ऑप्शन में जाने के लिए आपको जो प्रिंट की है वो वन बार प्रेस करना है। तो हम प्रिंट मेनू में एंटर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बैच रिपोर्ट। बैच रिपोर्ट में आपको एंटर करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन बैच। यदि आपको बैच खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक प्रिंट चाहिए तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन बैच को एस करना है, और ऑनलाइन बैच आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। हम यहाँ पे एस करते हैं तो आपका जैसे ही बैच खत्म होगा तो आपका बैच का जो रिपोर्ट होगा वेइंग का वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट बैच। आपने जो भी लास्ट बैच चलाया था उसका रिपोर्ट देखना होगा, लेना है। ये भी रिपोर्ट आप पेन ड्राइव और प्रिंटआउट के स्वरूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो USB सिलेक्ट करते हैं तो आपका रिपोर्ट USB में डाउनलोड हो जाएगा। उसके लिए आपको पेन ड्राइव उसको कनेक्ट करना चाहिए और बाद में एस्केप करना है, और आपको लास्ट बैच का प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट ले सकते हैं। ये तो हमारा लास्ट बैच जो आपने चलाया है वो इसमें आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर टू नंबर बैच। आपको आपने बहुत सारे बैच चलाई है बट आपको किसी पर्टिकुलर बैच से लेके पर्टिकुलर बैच तक डेटा लेना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जाके आपको प्रिंट नंबर टू नंबर रिपोर्ट फ्रॉम, यहाँ पे आपको किधर से आपको जिस स्टार्ट बैच का नंबर डाल देना है जहाँ से आपको रिपोर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर बैच डालता हूँ और उसके बाद एंटर कर देना है 2, मतलब आपका एंड बैच का नंबर यहाँ पे पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ और उसके बाद एंटर करना है। तो आपको ए रिपोर्ट प्रिंटआउट में लेना है या पेनड्राइव डिवाइस में लेना है तो यहाँ पे आप अप और डाउन की करके वो सिलेक्ट कर सकते। तो मैं यहाँ पे USB में रिपोर्ट डाउनलोड कर देता हूँ। तो USB कनेक्टेड, डाउनलोडिंग डन, प्रेस एस्केप की, यानी कि अपना जो रिपोर्ट है वो पेन ड्राइव में डाउनलोड हो चुका है। एस्केप कर देते हैं तो हम बैक टू मेन मेनू आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डेट टू डेट बैच, यानी कि आपने जो बैच चलाया हुआ है उसका आपको डेट वाइज रिपोर्ट लेना है तो यहाँ पे आप डेट वाइज रिपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे एंटर करना है, आपने कहाँ से डेटा लेना, किस डेट से डेटा लेना है वो डेट आपको यहाँ से एंटर कर देना है। डेट एंटर कर देने के बाद, स्टार्ट डेट एंटर कर देने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। उसके बाद एंड डेट, मतलब किस डेट तक आपको डेटा लेना है वो डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और एंटर की प्रेस करना है। इस रिपोर्ट में भी आपको प्रिंटआउट और USB डाउनलोडिंग के ये दो ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपको अप और डाउन की का यूज़ करना है, और अब यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट लेना है उसके बाद आपको, अब मैं यहाँ पे USB में रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता हूँ तो एंटर कर देता हूँ और कनेक्टेड USB डाउनलोडिंग, तो हमारा रिपोर्ट USB में डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद डिस्प्ले पे आपको मैसेज मिलेगा डाउनलोडिंग डन, प्रेस एस्केप की, तो एस्केप प्रेस करते हैं। उसके बाद आता है रेसिपी वाइज। आपने बहुत सारी रेसिपी चलाई हुई है 10-12, और उसको आपको रेसिपी 1, रेसिपी 2, 3, 4, 5 इस रेसिपी के अलग अलग से रिपोर्ट लेने हैं तो आप इसमें ले सकते हो। तो इसमें आपको सेलेक्ट रेसिपी, आपको जो भी रेसिपी आपने एक साथ रिपोर्ट लेना है, हर रेसिपी सब जो आपने डेटा बैच चलाई है हर एक ही बार सभी रेसिपी का रिपोर्ट लेना है या 1 by 1 रेसिपी का रिपोर्ट लेना है, यहाँ से आप रेसिपी सिलेक्ट कर दे सकते हैं। सिलेक्ट रेसिपी फ्रॉम 1 to 1, तो मैंने 1 to 1 सिलेक्ट किया, यानी कि मेरे को खाली फर्स्ट रेसिपी का ही जो हमने बैच चला है फर्स्ट रेसिपी में वही का रिपोर्ट आपको मिलेगा, और उसका स्टार्ट डेट आपको पूछ डालना है, वो रेसिपी हमने चलाई है तो वह किस डेट से किस डेट तक आपको रिपोर्ट चाहिए वो यहाँ पे आपको पुट कर देना है। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, USB और प्रिंट। तो यहाँ पे आपको, मैं यहाँ पे USB डाउनलोड कर देता हूँ।
तो अपना यूएसबी में डेटा डाउनलोड हो चुका है, तो एस्केप की प्रेस कर देते हैं। उसी तरह डेस्टिनेशन वाइज आपने जो भी कॉन्क्रीट किया हुआ है वो साइट वाइज किया हुआ है, साइट वन, साइट टू, साइट थ्री, उसी हिसाब से आप यहाँ पे उसका डेटा भी ले सकते हैं। मान लो कि आपने डेस्टिनेशन वन टू थ्री डेस्टिनेशन में डेटा लिया हुआ है, तो मेरे को सेकंड डेस्टिनेशन का ही डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेकंड डेस्टिनेशन टू 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 सिलेक्ट कर देता हूँ और उसका डेटा मेरे को एक तारीख वन तारीख से चार तारीख का डेटा लेता हूँ मैं, और उसका डेटा और यूएसबी में डाउनलोड करना है, तो वो रिपोर्ट आपका वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसी तरह से आप डेस्टिनेशन अलग अलग सिंगल सिंगल डेस्टिनेशन का डेटा ले सकते हो या कंबाइंड डेस्टिनेशन का डेटा ले सकते हो। तो ये था हमारा बैच रिपोर्ट डाउनलोड, मतलब आपने जो भी वेइंग का डेटा किया है बैच मोड में उसका प्रिंटआउट व यूएसबी हमने यहाँ पे देख लिया है वो कैसे कर देते हैं। थैंक यू।